नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आप लोगों का कल एक नया नोटिस आया है जो आपके गाइडलाइंस है, इसी से रिलेटेड है और इसमें स्पेशली मॉक टेस्ट के बारे में बात की गई। बाकी चीज़ें तो सेम हैं जो मैं पिछला वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने गाइडलाइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लें। बार बार वही चीज़ें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। कुछ एक आध चीज़ें आप देख सकते हो, बाकी आपको ये सब बता चुके हैं। MCQ बेस्ड पर ही होगी, फॉर्मल पहनना है आपको, ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबका एक आंसर सही होगा। और टाइमिंग भी आपको बता चुके हैं, ठीक है, और 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात अपना आप ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक, 15 मिनट के बाद। इसके अतिरिक्त जो लास्ट सेमेस्टर के छोड़ के जो बाकी हैं उनका, और जो लास्ट सेमेस्टर है उनके 1 घंटा 45 मिनट बाद। और बाकी आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट। ये अब आपकी मॉक टेस्ट की डेट आई है, इस वजह से आपकी जो डेट स्कीम है, एग्ज़ाम है, उनकी डेट भी चेंज की गई है, तो वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉक टेस्ट की डेट क्या क्या आई है। तो इससे पहले एक चीज़ और देख लो, ये पॉइंट पूरा डिस्कस करो, 13 वाला भी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यूराइज पोर्टल पर ईमेल और एक URL, यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पे उस छात्र छात्रा का को ये इतना विवरण देना होगा। क्या क्या देना है आपको? इस सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा को 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को संस्था से वेरीफाई कराया जा सकता है, ठीक है। आपका फ़ोटो लिया जाएगा 4-5 बार, और फिर जो आपका आपने संस्था में आपका जो फ़ोटो वगैरह होगा उससे मिलाया जाएगा कि आप ही एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई और तो नहीं बिठा दिया है आपने, ठीक। दूसरा है, छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर, ईमेल ID भी वेरीफाई करना होगा, ठीक। आपको अपनी कोई ID सबमिट करनी होगी और मोबाइल नंबर, ईमेल ID वेरीफाई करना होगा। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, अगर उसमें आपको कोई लगता है कि कुछ गलती है तो आप उसे दिए गए स्थान पर अवगत करा सकोगे। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम गलत है या कुछ भी गलत है, तो आप उसमें एक जगह होगी, वहाँ पे आप बता सकते हो कि हमारा ये गलत है। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल ID दोनों अपडेट रखना है, ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना हो आपके मोबाइल नंबर, मेल ID पर दी जाएगी, जिससे आप तक पहुँच सके। समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण, जिन्होंने आवेदन पत्र है, निम्न समय के अनुसार किया जाए। अब आप देख सकते हो अपने पंजीकरण की और मॉक टेस्ट की डेट। सेमेस्टर सिस्टम, केवल अंतिम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा, ठीक है, केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राएँ, ठीक। जो लास्ट सेमेस्टर वाले उनके 14, 16 और 17 अगस्त को 2021, ठीक, 14, 16 और 17 अगस्त को होगी, 10 से 6 बजे के बीच में पंजीकरण होगा। परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि उनकी 18 अगस्त। बाकी जो वार्षिक परीक्षा, केवल फार्मेसी वाले अंतिम वर्ष, उनकी 18, 19, 20 और 21 अगस्त की, और उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी 28 अगस्त से। जो सेमेस्टर सिस्टम है, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर, आपको इन्हीं दो पे मेन फोकस करना है। लास्ट सेमेस्टर वालों का 14, 16 और 17 अगस्त को, और जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनके 24, 25 और 26 अगस्त को, और उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 5 सितंबर से, ठीक। वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी वाले फर्स्ट ईयर वाले होंगे, उनके 27, 28 और 29 अगस्त को, उनका एग्ज़ाम 19 सितंबर से स्टार्ट होगा। आपको बस ये लास्ट सेमेस्टर और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों की ध्यान दें, डेट ध्यान रखना है, 24, 25, 26 अगस्त को, उनका 14, 16 और 17 अगस्त को होगा। बाकी आपका जो है वो सब सेम है, आपको एग्ज़ाम कंपलसरी देना है, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आ सकेगा, सब कुछ डिले हो जाएगा। तो एग्ज़ाम कंपलसरी देना, ये तो हो गया आपका मॉक टेस्ट की डेट। बाकी अब आप देख सकते हैं अपनी स्कीम में क्या क्या चेंज हुआ है आपका। तो स्कीम में आपका कोई खास चेंज नहीं हुआ है, बस आपकी कुछ एग्ज़ाम की डेट जो है वो शिफ्ट कर दी गई हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की इन बात करें अगर ब्रांच की, तो आपका जो एग्ज़ाम था कंप्यूटर नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम में आपका 17 अगस्त को था, तो ये 17 से आपका 19 अगस्त को हो गया है। इसी तरह से 1-2 दिन सभी एग्ज़ाम की डेट बढ़ाई गई है। तो बाकी आप देख सकते हो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका शायद 18 को था, 18 अगस्त को, तो ये शायद आपका 21 अगस्त को हो गया है। तो और थोड़ा थोड़ी सबकी डेट बढ़ गई है। माइक्रो कंट्रोल एम्बेड सिस्टम आपका शायद 20 अगस्त को था, तो ये 27 अगस्त को हो गया है। तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपनी एग्ज़ाम की सभी डेट।
और इससे आपको कुछ राहत मिली होगी, चलो 2 दिन का और टाइम मिल गया। लास्ट में ऐसे ही लगता है ना जब एग्ज़ाम होने वाला होता है, चलो 2 दिन में हम तो बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक, तो वो टाइम मिल गया आपको, अब आप लोग बहुत कुछ करिए। सभी MCQ चैनल पर अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से सभी MCQ विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। एक एक वीडियो देखिए और 50 क्वेश्चन और वीडियो दोनों देखिए। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर MCS वाले हैं, उनका मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस का 19 अगस्त को है, माइक्रोवेव और रेडार इंजीनियरिंग का 23 अगस्त को है, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का 25 अगस्त को है, माइक्रो कंट्रोल एम्बेडेड सिस्टम का 27 अगस्त को है। बाकी आप देख सकते हो जो AMI वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो जो AMI है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस का, इनका 18 अगस्त को, ये लोग तो ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि इनको 16 ही अगस्त को एग्ज़ाम था। माइक्रोवेव और रेडार वालों का 23 अगस्त का है, वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन का 25 अगस्त को, MCS का माइक्रो कंट्रोल एम्बेडेड सिस्टम का 27 अगस्त को है AMI वालों का। बाकी जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का 21 अगस्त को है, माइक्रोवेव और रडार का 23 अगस्त को, वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन का 25 अगस्त को, माइक्रो कंट्रोल एम्बेडेड सिस्टम का 27 अगस्त को। तो ये फिर ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ही सब्जेक्ट है। तो ये आपकी न्यू डेट आई स्कीम की, वो है, आप लोग पूरी स्कीम चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, या मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूँगी, या वैसे वीडियो लेट हो गया, आप सभी को स्कीम और ये मॉक टेस्ट मिल चुका है, कल वीडियो नहीं बन सका कुछ कारणवश, तो आप लोग के लिए आज अवेलेबल है सारी न्यूज। बाकी आप लोग चैनल को विजिट ज़रूर कर लेना, मेरे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट और वीडियो मिल जाएंगे। स्पेशली अभी 6 सेमेस्टर के क्लासेस चल रही हैं, 50 क्वेश्चन की सीरीज़ भी चल रही है, वो आप सभी लोग ज़रूर देखें। तो आज आपको कोशिश रहेगी शायद कंप्यूटर नेटवर्क की 50 क्वेश्चन की सीरीज़ मिल जाएगी। तो आपसे बाकी मुलाकात होती है किसी नई अपडेट के साथ या क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ। जुड़े रहिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।